क्लासरूम फॉर हीरोज के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सभी लड़कियां एक चीज को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अर्नेस्ट आ जाती है और वो उनसे पूछती है तुम क्या देख रहे हो, तो वो कहते हैं ये काफी क्यूट चीज है। उन्हें नहीं पता होता कि ये एक मशीन है। तभी वो मशीन एक प्रोजेक्ट दिखाता है और वो कोई और प्रोजेक्शन नहीं होता है, वो होता है ब्लेड का। दूसरी तरफ में ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर उसने 15% से आगे यूज किया तो वो मर जाएगा। और ये सभी बात वो कू को बता रहा था और कू काफी आसानी से समझ जाती है। तब तक वो लड़कियां उस चीज को ब्लेड के पास ले आती है। जैसे ही ब्लेड उस चीज को देखता है वो उसी पे ही ड्रैगन ईटर का इस्तेमाल कर देता है और वो मशीन पूरी की पूरी टूट जाती है। ये देख के अर्नेस्ट और बाकी लड़की काफी गुस्सा हो रही होती है और बोली होती है ये तुमने क्यों किया। और ब्लेड काफी खुश होता है और बोलता है कितनी ज्यादा पावर है मेरे पास, इस स्वॉर्ड ही टूट गया। और वो लोग काफी हैरान होते हैं आखिर उसने इस इतने अच्छे मशीन को क्यों तोड़ दिया। लेकिन वो मशीन अभी भी मरा नहीं हुआ था, वो अर्नेस्ट को स्कैन कर रहा होता है और वो अपने आप को अपग्रेड कर लेता है। फिर हम देखते हैं वो एक लड़की में बदल जाता है। फिर वो मशीन सीधा ब्लेड के पास आता है और उससे कहता है देखो मैं पूरी तरह से इंसान में बदल चुकी हूँ, मुझे तुमसे बदला लेना है। तो ब्लेड कहता है वो अच्छा। और वो जो मशीन होती है वो ब्लेड पे हमला करने के लिए आ रही होती है, लेकिन इस बार भी ब्लेड अपने ड्रैगन ईटर के वार से उसे खत्म कर देता है। तो ये लोग कहते हैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तुम इस पे इतना जोर से हमला कर रहे हो। फिर हम देखते हैं वो मशीन पूरा चकनाचूर हो जाती है। ब्लेड उनसे कह रहा होता है तुम्हें ये नहीं पता है कि ये कितनी ज्यादा मशीन खतरनाक हो सकती है, खैर छोड़ो मैं बाद में बताऊंगा। अब शाम हो जाता है और ये फिर से रीअसेंबल हो जाती है, जैसे कि इसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ब्लेड उसे फिर से खत्म करने जा रहा होता है लेकिन अर्नेस्ट कहती है मुझे नहीं लगता ये खतरनाक है, मैं इससे बात करती हूँ। तो ब्लेड कहता है नहीं ये एक गार्डियन है, लेकिन एक गार्डियन बर्सक मोड में चले जाए तो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन वो लोग कह रहे होते इसे देख के ऐसा तो नहीं लग रहा। और वो जो मशीन होती है वो कह रही होती है मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आई हूँ, तुम मेरा टारगेट हो, मुझे तुम्हें हराना है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो कहती है ब्लेड तुम्हारा टारगेट है। तो वो मशीन कहती है तुम मेरे टारगेट नहीं हो, अगर तुम मेरे बीच में आओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो वो लड़की कहती है अच्छा लूना। वो कहती है मेरा नाम लूना नहीं है, असल में उसके चेस्ट पे लिखा होता है पर वो कोई नाम नहीं होता है, असल में वो एक नंबर होता है जो कि होता है 10NA। लेकिन ये जो लड़की होती है वो उसे लूना ही बुला रही होती है और वो कह रही होती है अगर तुम्हें ब्लेड को बुरी तरह से हराना है तो हम तुम्हारी मदद करके उसे बुरी तरह से हरा सकते हैं। मशीन को ये ऑफर अच्छा लगता है कि वो लोग इसकी मदद करेंगे ब्लेड को हराने में। फिर यहाँ पे मारिया का दोस्त आ जाता है और वो लूना से पूछता है चलो तुम बताओ तुम ब्लेड को क्यों मारना चाहती हो। तो लूना बताने लगती है ब्लेड उस जगह पे घुसा है जहाँ उसे घुसना नहीं चाहिए था और उसने उस जगह उंगली की है जहाँ उसे नहीं करना चाहिए था। और उन्हें काफी ज्यादा गलत चीजें लग रही होती है, इसलिए ब्लेड उन्हें समझाते हुए कहता है तुम जैसे सोच रही हो वैसा नहीं है, बात ऐसी है कि ये एक मशीन है और मैं उस लाइब्रेरी में घुसता था जिसमें किसी को घुसने की इजाजत नहीं है, ये सब अर्नेस्ट मैंने तुम्हारे लिए किया था जब तुम्हारे ऊपर डीमन ने कब्जा कर लिया था। और उसी वक्त की ये बात कह रही है। अर्नेस्ट को फिर पता चल जाता है कि ये उस वाले लाइब्रेरी में गया था जहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स लाइब्रेरी की हिफाजत करते हैं और किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं रहती है। लूना ब्लेड पे इस बात के लिए गुस्सा थी कि ब्लेड ने उसे काफी बारी टुकड़ों में बांटा हुआ है और वो इसी तरह से बोली जा रही होती है कि ब्लेड ने उसे कितनी बार तोड़ा था। ब्लेड को तो ये देखे काफी गुस्सा आ रहा होता है इसलिए वो वहां से निकल जाता है। सोफी भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है और वो कहती है ये सब क्या है। ब्लेड कहता है देखो मैं एक ग्रेट हीरो हूँ, हालांकि मैं अब ग्रेट हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं उस जगह सिर्फ अर्नेस्ट को बचाने के लिए ही गया था और अर्नेस्ट के लिए ये सब करके ये सब हो रहा है। सोफी बता रही होती है कि ये सब अब डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, तो तुम्हारा क्या कहना है। तो ब्लेड कहता है तुम चिंता मत करो कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ मारिया का दोस्त बता रहा होता है लूना को तुम ऐसे तो बिल्कुल भी उसे नहीं हरा सकती हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर तुम्हें उससे जीतना है तो मैं तुम्हें काफी अच्छा आइडिया देता हूँ, तुम काफी आसानी से इमोशन इस्तेमाल करके उसे जीत सकती हो। तो लूना कहती वो कैसे। अब अगले दिन में हम देखते हैं लूना आई होती है स्टेडियम में ब्लेड से लड़ने के लिए और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। लूना ब्लेड से कहती है कि मैं स्टैंड अलोन की जगह पे हूँ, इसका मतलब मेरा और मदर कंप्यूटर का कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए मैं खुद से ऑपरेट हो रही हूँ और अगर मैं मरती हूँ तो मैं दोबारा रीअसेंबल नहीं हो सकती हूँ। और ये सुनके ब्लेड काफी हैरान होता है और उस पर हमला नहीं कर रहा होता है। और लूना ब्लेड का हाथ पकड़ के अपने संतरों के बीच में डाल लेती है और कहती है तुम मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे हो ना, तुम मुझे जितना भी डैमेज दोगे मुझे सारा लगेगा। और अब ब्लेड उस पर हमला नहीं कर रहा होता है लेकिन जो लूना होती है वो तो इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो लगातार ब्लेड पे हमला करी जा रही होती है और काफी जोरदार से ब्लेड को हमले लग रहे होते हैं। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, बहुत मार खाने के बाद
ब्लेड सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे तो हमला करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने हमला किया तो ये मारी जाएगी और फिर दोबारा नहीं रीअसेंबल हो पाएगी। तो फिर ब्लेड अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और इसी मौके का लूना फायदा उठा के और ब्लेड को पकड़ के काफी बुरी तरह से मार रही होती है। फिर काफी सारे हमले करने के बाद एक फाइनल पंच भी मारती है और लूना कहती है तुम अब हार क्यों नहीं मान लेते। तो ब्लेड कहता है हाँ, हार मानना ही मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन तुम्हें इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लूना कह रही होती है ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम हार मान रही हो और अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्लेड हार मान जाता है और ये देख के सभी लोग लूना को सपोर्ट कर रहे होते हैं। रोबोट होने के बावजूद वो भी स्माइल करती है, मतलब इसके अंदर भी इमोशन है। इसके अगले दिन में हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग खाना खा रहे होते हैं और वो लोग पूछ रहे होते हैं लूना से कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो मारिया का दोस्त बोलता है लगता है कि इसका मकसद यही था कि ब्लेड को हरा देना है और अब इसके पास कोई भी आगे मोटिवेशन नहीं है कि इसे आगे क्या करना है। तो लूना बोलती है नहीं, असल बात तो ये है कि मेरा मदर कंप्यूटर से कनेक्शन टूटने के बाद मुझे अब नहीं पता है कि मुझे आगे क्या करना है और मेरा मोटिव क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ अब। और मदर कंप्यूटर ही इन्हें ऑर्डर दिया करती थी और मदर कंप्यूटर ने अब इसे अबेंडेड कर दिया है क्योंकि इसने अपने आप से ही उनसे कनेक्शन तोड़ लिया था। इसलिए वो ब्लेड से कहती है प्लीज क्या आप मेरे मास्टर बन सकते हैं, मैं आपको मास्टर बुलाऊंगी, कितना अच्छा रहेगा कि अगर आप मेरे मास्टर बन जाओगे तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ब्लेड साफ साफ मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता। तो लूना कहती है अगर आप मेरा मास्टर नहीं बनोगे, वैसे भी मेरा मदर कंप्यूटर से कनेक्शन टूट चुका है, तो हमारे अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन होता है और आपके पास सिर्फ इतने मिनट्स है, अगर आपने इतने मिनट में कुछ नहीं किया तो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर ब्लास्ट हो जाऊंगी। और सभी लोग ये सुन के पीछे हट जाते हैं और जो मारिया का दोस्त होता है वो चेक कर रहा होता है और वो बताता है कि हमारे पास सिर्फ 84 आवर्स है। ब्लेड कहता है ठीक है मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा, बस तुम ब्लास्ट मत होना। ब्लेड लूना का मास्टर बन चुका होता है और वो देखता है कि जो लूना है वो मेड जैसे कपड़े पहन के आई होती है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। लूना कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि खाना बना के लेगा, इसलिए मैंने मेड जैसे कपड़े पहन लिए हैं। इस चीज से कू तो काफी ज्यादा खुश होती है, तभी यहाँ पे सूफी आ जाती है। वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है क्योंकि सूफी भी एक मशीनी होती है और वो ब्लेड से कह रही होती है ये बिल्कुल हूबहू मेरे जैसी है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे जैसे हाइट, मेरे जैसे बाल और सारी चीजें मेरे जैसे। लेकिन लूना कहती है तुम्हारे ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास 8800 डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन है और मेरे पास हर चीज अलग अलग है, तुम्हारे और मेरे में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। अब दोनों ही यहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं क्योंकि दोनों ही मशीन होते हैं और वो लोग ब्लेड को खुश करना चाहते हैं और ये लोग एक मैच रखते हैं जिसमें जिसने भी ब्लेड को खुश किया वो जीत जाएगा। और अब इनका मैच शुरू होता है। अब जब ब्लेड क्लास में आता है तो वो सोफी को देखता है जो कि कैट वाली ईयर्स पहन के आई होती है और दूसरी तरफ लूना ने रैबिट्स वाली ईयर्स पहन के आई होती है। ये दोनों ही ब्लेड को खुश करना चाहती थी। दोनों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा होता है लेकिन ये दोनों रोबोट्स होती है तो इसमें जीतेगा कौन ये पता नहीं। साथ ही साथ ब्लेड को काफी ज्यादा अच्छी सर्विसेज भी मिलती होती है जो कि काफी अच्छी होती है। अब सोते वक्त भी ये दोनों ब्लेड का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं ब्लेड आप सो जाइए हम आपको देखेंगे सिर्फ। ब्लेड कहता है ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। अब ब्लेड भी सो जाता है, कू भी सो जाती है, बस वो दोनों बैठी हुई होती है। फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं और ये लोग कहते हैं कि आज का दिन तो पूरा खत्म हो गया, आज तो कोई नहीं जीत पाया। तो लूना कहती है अगर सोफी तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकती हो। सोफी कहती है मैं बिना सोए 7 दिन तक रह सकती हूँ। लूना कहती है बहुत बुरी बात है क्योंकि मैं तो जिंदगी भर तक बिना सोए रह सकती हूँ। अब ये दोनों अपने बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे लूना बताती है कि वहाँ पर कोई नहीं आता था, सिर्फ ब्लेड ही आता था और वो जब आता था तो मुझे काफी ज्यादा मजा आता था। तो भी बताती है मैं एक पिंजरे में बंद थी काफी लंबे समय से और फिर जब मैं ब्लेड से मिली तो मुझे पता चला कि जीना कैसा होता है, दोस्त कैसे होते हैं और जिंदगी किस तरह से बिताई जाती है। फिर ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और इनके बीच में काफी अच्छा बॉन्ड बनी जा रहा होता है फ्रेंडशिप को लेके। और जो ब्लेड था वो सोया नहीं था, बस वो सोने का एक्टिंग कर रहा था और इन दोनों की बातें सुन रहा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है जो लूना का काउंटडाउन है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है और ये देख के सभी लोगों को चिंता हो रही थी क्योंकि अभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तो मारिया का दोस्त चेक करके बताता है कि ह्यूमन एक मास्टर बनेगा या एक रोबोट तो इसका कोई फायदा नहीं और अभी इनके पास कुछ टाइम बचा हुआ है। यहाँ लूना बता रही होती है कि तुम सबसे मिलके काफी अच्छा लगा, हालांकि मुझे ये पहले नहीं पता था कि ये सब क्या होती है, मैं तुम लोगों के साथ और ज्यादा जीना चाहती हूँ और तुम लोगों के साथ मजे करना चाहती हूँ। और ये लोग सोचते हैं कि एक पार्टी करने का जो कि एक फेयरवेल पार्टी होती है।
यहाँ पे एक पार्टी थ्रो की जाती है और मेन लूना को प्रिंसेस बनाया जाता है। सोफी उसे सहारा देते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, ये सभी लोग तुम्हें खुश करना चाहते हैं। और उसे ऐसा फील कराया जाता है कि वो काफी ज्यादा स्पेशल है यहाँ पर। और फिर लूना और बाकी सभी लोग मिल के काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जितना भी वक्त लूना के पास बचा होता है उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह होती है कि यहाँ पे ब्लेड नहीं होता है। हानस बोली होती है पता नहीं वो बेवकूफ कहाँ चले गया, अब थोड़ा सा ही वक्त ही बचा है, बस 2 मिनट ही बचा है, वो पता नहीं कहाँ रह गया है। लूना कह रही होती है कि मैं ये वक्त कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, हालांकि मैं एक मशीन हूँ लेकिन फीलिंग क्या होती है मुझे पता चल गया और तुम लोगों के साथ काफी मजा आया मुझे। और वो सभी लोग के बारे में अच्छी चीजें बता रही होती है, कैसे उसकी सभी लोग ने मदद करी। और वो लास्ट में कहती है प्लीज मुझे भूलना मत, मुझे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है, प्लीज मुझे कभी भी भूलना मत। अब सिर्फ लूना के पास 3 ही सेकंड बचे होते हैं और सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी लोग बोल रहे होते हैं हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे और सभी लोग रोने लगते हैं और आर्नेस्ट भी रोने लगती है। ऐसे काउंटर खत्म होने वाला है तभी जब इनसे ब्लेड बाहर आ जाता है और वो आसपास देखता है और ऊपर में उसे काफी अच्छी चीज दिखती है, क्योंकि जिस तरह से वो जमीन से बाहर आया था उस वजह से जो आर्नेस के कपड़े होते हैं वो फट चुके होते हैं और आपको पता ही है ऊपर क्या दिखा। तो आर्नेस उसे सर से पकड़ के उठा लेती है और उसे बोलती है तुम कहाँ पर थे। तो ब्लेड बताता है वो लूना की मदर के पास था। वहाँ पे ब्लेड ने लूना की मदर से माफी मांगा और उनसे कहा कि लूना को आप माफ कर दीजिए, और वहाँ पे उसने थोड़ी मोटी फाइट भी करी और अब लूना का फिर से उसके मदर के साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम होता है वो कैंसिल हो जाता है। ये सुनके सभी लोग खुश हो जाते हैं और सोफी लूना से कहती है तुम जाओ और अब तुम अपने सारे इमोशन दिखा सकती हो। और वो सीधा जाती है ब्लेड के ऊपर कूद जाती है और वो कहती है मास्टर मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। और यहाँ पे ब्लेड का दम घुट रहा होता है क्योंकि जो उसके संतरे होते हैं वो तो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और आर्नेस्ट कह रही होती है वहां से दूर हटो। और यहीं पे हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।